ऑनेस्टली डैड, मैं एक हफ्ते से उसे समझा रहा था, काम के बर्डन को अपने सर पे मत लो, बीमार हो जाओगी। एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने उसे कहा। आप जानते हैं बिनी को, किसी की बात सुनती है क्या? पूरी रात उसके सिरहाने बैठा हुआ था। अब जाके कहीं सुकून से सोइए। यकीन करें डैड, आप रात को देखते ना बहुत परेशान हो जाते। तो तुम मुझे कॉल कर देते यार, मैं आके ले जाता उसे। डैड आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं उसकी खिदमत कर ही रहा था। नहीं नहीं, आई नो दैट तुम बहुत ख्याल रखते हो बिनी का। डैड आप अच्छी तरह जानते हैं बिनी, वो बहुत जज्बाती है, काम को सर पर सवार कर लिया इसलिए बीमार पड़ गए। मैंने साफ साफ कह दिया पूरा एक हफ्ता तुम्हें बिनी रेस्ट कर, कहीं जाने नहीं। मेरा ख्याल है कि अब तुम भी अपना ऑफिस देख लो। मैं भी फारिग हूँ तकरीबन, मैं सोच रहा हूँ कि ज्वाइन कर लूँ ऑफिस। क्यों डैड, आपको मुझ पे एतबार नहीं है क्या? अरे खुद से बढ़कर है बेटा, पर तुम बेटा ऐसे ही नहीं कहा, समझा भी है, लेकिन देख रहा हूँ कि काम का लोड भी है तुम, थोड़ा सा रेस्ट करो, अपना ख्याल करो, इतने अरसे से दिन रात काम कर रहे हैं। और जहाँ तक वलीद का ताल्लुक है तो उसकी तरफ से मुझे बहुत इत्मीनान हो गया, उसने आके सारे मसाइल हल कर दिए। वेरी नाइस, रूसा भाभी बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हिम्मत वाली है, इसी वजह से मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो इसे और डॉक्टर को दिखा दे। नहीं डैड, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी बेहतर हो गई है।